अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोगों ने कल बात की थी थर्मोकेमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। और हमने कहा था हीट, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हमारे पास एक इक्वेशन थी, हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात की कि W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा बी, पी इंटू डेल्टा बी होता है और साइन कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू वर्क। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी हो जाता है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम होता है तो W इज इक्वल टू प्लस पी इंटू डेल्टा बी होता है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था वो क्या था, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब हम बात करते हैं इंथाल्पी, और इंथाल्पी के बारे में हमें क्या बातें मालूम होनी चाहिए, इंथाल्पी की डेफिनेशन क्या है और इसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ इंथाल्पी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ सिस्टम। डेफिनेशन हमारे पास क्या, इट इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट को हम इंथाल्पी कहेंगे। इंथाल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं एच इज इक्वल टू, इंथाल्पी किसके बराबर है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी इंटू वी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम इसकी एक और डेफिनेशन लिख देते हैं कि इंथाल्पी इज इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर देते हैं, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये भी एक इंथाल्पी की डेफिनेशन है कि व्हाट इज इंथाल्पी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब अगर हम बात करें कि इंथाल्पी कैसी क्वांटिटी है, क्या ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है, इंटरनल प्रेशर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इनकी डेफिनाइट वैल्यू है फॉर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। सो इंथाल्पी इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, इंथाल्पी इज स्टेट फंक्शन। हम इंथाल्पी को भी स्टेट फंक्शन कहेंगे क्योंकि हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इसकी डेफिनाइट वैल्यू होती है फॉर इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड फॉर फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की इंथाल्पी इनिशियली और फाइनली डिफरेंट होगी और इसके लिए डेफिनाइट वैल्यू होगी, तो हम इंथाल्पी को स्टेट फंक्शन कहेंगे। अब क्या हम इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमने कहा था इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इंटरनल एनर्जी, इन तमाम एनर्जीज का सम मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम चेंज मेजर करते हैं। तो इसीलिए हम इंथाल्पी को भी मेजर नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉट पॉसिबल टू मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथाल्पी। हम क्या मेजर कर सकते हैं, वी ओनली मेजर डेल्टा एच, चेंज इन इंथाल्पी मेजर कर सकेंगे हम।
हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हम टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी इंटू वी। ठीक है, ये हमारे पास एंथैल्पी के लिए इक्वेशन आएगी। अब अगर हम यहाँ पे डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी करें और डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी कर लें एक मरतबा, अगर मैं बात करूँ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट है ठीक है तो हमारे पास डेल्टा पी ज़ीरो, ठीक है, और अगर डेल्टा पी हमारे पास ज़ीरो होता है हमारे पास ये टर्म ओवरऑल ज़ीरो हो जाती है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर हम कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू क्यू पी। हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, इन दोनों का मतलब हमें पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वेन प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। तो मुझे मालूम है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, किसी भी सिस्टम को कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे इट ओनली चेंज हीट कंटेंट, क्योंकि वर्क डन जीरो होगा जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, प्रेशर इज प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, सॉरी वर्क डन इस केस में जीरो होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। जब हम जितनी हीट सप्लाई करते हैं इट ओनली चेंज हीट कंटेंट व्हेन प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है तो सिर्फ हीट कंटेंट चेंज होगा और हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा, जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे इट ओनली इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता जाएगा क्योंकि वर्क कोई नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमने ये दोनों बात भी याद रखनी है कि डेल्टा एच क्यू पी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंक्रीज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो ये एंथैल्पी को इंक्रीज करेगा ओनली। ये हमारे पास एंथैल्पी से रेलिवेंट कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें। जी स्टूडेंट्स, तो हमने बात की कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी चेंज इन एंथैल्पी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है और एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या एंथैल्पी नेगेटिव होगी इफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या होगा, साइन क्या होगा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम को सप्लाई होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये बात हो रही है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो पॉजिटिव होगा इफ हीट सप्लाई टू सिस्टम, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा एच इज नेगेटिव व्हेन हीट इज सप्लाइड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट सराउंडिंग को चली जाती है सिस्टम से तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन मालूम होना चाहिए आपको कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई क्या है, अगर हमारे पास, हमने कहा डेल्टा एच, हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी इंटू वी, ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, या पी डेल्टा वी,
हम इसको जब सॉल्व करते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, और पी इंटू डेल्टा वी हो जाती है, ये हो जाती है डेल्टा पी इंटू वी और पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद हमें मालूम है जब प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी ज़ीरो, ठीक है, डेल्टा पी इंटू वी प्लस पी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा पी ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास खाली प्लस पी डेल्टा वी बच जाती है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है प्लस पी इंटू डेल्टा वी, ये है एंथैल्पी के लिए इक्वेशन। अब अगर मैं लूँ सॉलिड्स रिएक्शन या सिस्टम सॉलिड है और लिक्विड है और कोई एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, तो मेरे पास डेल्टा वी इज नेग्लिजिबल, हम डेल्टा वी को निग्लेक्ट कर सकते हैं सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में, या किसी भी चीज के एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे जीरो होगा हमारे पास, या वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा जो कि नेग्लिजिबल होगा, तो डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई। तो ये बात भी याद रखनी है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई, सॉलिड्स और लिक्विड लिक्विड के केस में, या एक्वस सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू सेम होगी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई इज सेम फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन स्टेट और रिएक्शन ऑफ सॉलिड। अगर रिएक्शन सॉल्यूशन स्टेट में हो रहे हैं या रिएक्शन सॉलिड्स के हैं सॉलिड स्टेट में है, तो हमारे पास डेल्टा एच इज अप्रॉक्सीमेटली या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू सेम होती है। अगर रिएक्शन गैशियस स्टेट में है तो हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज इन वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज आएगा वॉल्यूम में। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, सेम वैल्यू, सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर रिएक्शंस इन सॉल्यूशन स्टेट एंड फॉर सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट के रिएक्शंस के लिए हमारे पास ये वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। सर, इसके बाद हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, कौन सा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट, हम स्टैंडर्ड स्टेट किसी भी चीज़ को की किसी भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट किसे कहते हैं, भाई वो नेचुरल फिजिकल स्टेट जो के 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे मौजूद हो किसी भी चीज़ की, उसे हम स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, नेचुरल फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर या एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जो भी स्टैंडर्ड फिजिकल नेचुरल फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टैंडर्ड स्टेट हम कहते हैं नेचुरल फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। अब कहा जाए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड गैस सॉलिड ऑल ऑफ दिस, तो भाई इसमें से हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर लिक्विड है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर और गैशियस स्टेट ऑफ वाटर उसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में इस स्टेट में मौजूद नहीं होता। कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड कंडीशन में जिस स्टेट में फिजिकली एग्जिस्ट करेगी वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ CO2 गैस होती है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर लिक्विड होती है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयरन सॉलिड है मेरे पास,
ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट बात करूं, मेरे पास ग्लूकोज या फ्रुक्टोज की स्टैंडर्ड स्टेट, ग्लूकोज की क्या है, सॉलिड है। हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ मर्करी मेटल इज लिक्विड। अगर Hg की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ मर्करी इज लिक्विड, Hg की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है, ठीक है। अगर मर्करी सॉलिड है तो वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंजेस। इसका मतलब है इंथाल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, चेंज इन हीट कंटेंट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले है इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर हम इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो हीट चेंज जब नंबर ऑफ मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन रिएक्ट करें, ठीक है। हीट चेंज व्हेन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। किसी भी दो सब्सटेंस के बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक जितने मोल हैं, अगर वो रिएक्ट करें, जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब करेंगे, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड अपॉन रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो नेगेटिव, एंडोथर्मिक हुआ तो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। हम मेजर करते हैं किलोजाउल्स में, किलोजाउल इज यूनिट, ठीक है। हम जनरली हीट कंटेंट को जाउल में मेजर करते हैं, बट ड्यूरिंग रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, इसलिए हम इसे मेजर कर लेते हैं किलोजाउल्स में, एंड 1000 जाउल इज इक्वल टू 1 किलोजाउल, 1000 जाउल्स 1 किलोजाउल के इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम इसे किलोजाउल में मेजर करेंगे। अब जनरली यहाँ एक चीज और ज़हन में आई, हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन का अगर हम रिएक्शन उठाएं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मैंने बात की थी ऑक्सीजन के साथ बर्निंग एक्सोथर्मिक होती है, H2+O2 एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन अपने जहन में ऐड कर लें, व्हेन N2 रिएक्ट विद O2, जब N2O2 के साथ रिएक्ट करके 2NO बनाता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जनरली ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक होंगे, लेकिन N2+O2 रिएक्ट इन एन एंडोथर्मिक मैनर, इसका रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, और डेल्टा एच इज प्लस 180 किलोजाउल हीट कंटेंट है इसका, डेल्टा एच है, ठीक है। तो यह है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। दूसरी चीज, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इसे हम कहते हैं डेल्टा एच नॉट आर रिएक्शन, ये हो जाता है डेल्टा एच नॉट एफ। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन के लिए हमारे पास -393 वैल्यू है, C+O2 फॉर्म CO2 -393.3 किलोजाउल्स इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कहते हैं इंथाल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का 1 मोल बने जो हीट चेंज आएगा, इट इज इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इट इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल। 1 मोल की फॉर्मेशन के लिए ये भी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव।
कुछ रिएक्शंस के लिए इक्वल होगी. फॉर एग्जांपल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल फॉर रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्सीजन के रिएक्शन के नतीजे में C+O2 बनेगा, C+O2 रिएक्ट टू फॉर्म CO2. और यहाँ पे भी क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू -393 क्योंकि एक मोल प्रोडक्ट बना है. तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कंबस्शन ऑफ कार्बन इज इक्वल, कंबस्शन ऑफ कार्बन के लिए इक्वल है. लेकिन जब हम H2O यहाँ पे वाटर बनाएंगे H2O, तो 2H2+O2 प्रोड्यूस 2H2O, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज हाफ ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन. अगर हम H2+O2 के लिए बात करें और H2O का इंथैल्पी चेंज देखें तो ये -285 है. ठीक है, ये होता है -285 किलो जाउल. अब अगर मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर H2 एंड O2 लूं और प्रोड्यूस हो 2H2O, ठीक है, तो ये क्या होगा, -285/2 होगा क्योंकि यहाँ दो मोल प्रोडक्ट के बने हैं. अगर प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूँ N2+H2 टू प्रोड्यूस NH3, ठीक है, यहाँ पे जो भी इंथैल्पी चेंज है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के हाफ होगी क्योंकि दो मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं. तो जितने मोल प्रोडक्ट के बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक बने, अगर आपके पास इंथैल्पी चेंज है उसको डिवाइड कर दें उतने मोल से, तो वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर गिवन है. ठीक है, तीसरा है हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन. इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ΔH0ET. भाई कोई भी चीज एटम्स में ब्रेक हो और वन मोल ऑफ एटम्स गैशियस एटम्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ गैशियस एटम्स. अगर हम किसी एलिमेंट को, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करें अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में बात हो रही है, ये जो ΔH0 ये जो सिंबल है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेजेंट कर रहा है, तो वन मोल ऑफ गैशियस एटम बने, जो इंथैल्पी चेंज होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक बॉन्ड, एटम्स में ब्रेक होना है किसी भी चीज से, और एटम्स में ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कभी भी रिलीज नहीं होगी, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन इज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. एग्जाम्पल किसी भी चीज को ब्रेक कर दें, Cl2Cl, अब एक मोल एटम बनेंगे हाफ मोल ऑफ क्लोरीन से, H2 ब्रेक कर दें एच एटॉमिक गैशियस एटम में, हाफ मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन एटम बनाए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन है. जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन की वैल्यू लार्ज होगी. नेक्स्ट है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अब ये बात मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड रिएक्ट विद वन मोल ऑफ एच OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ वाटर, इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, वन मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस, वन मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होने पे जो हीट इवॉल्व हो, हीट इवॉल्व्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर, और ये भी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हमेशा एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव से बॉन्ड बनाता है और हीट रिलीज करता है. एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज -57.4 किलो जाउल. ये बात हम शेयर कर चुके हैं कि हमेशा क्या होगी,
-57.4 किलो जाउल पर मोल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और क्यों होगी, हम इसकी रीजन भी डिस्कस कर चुके कि एसिड एच पॉजिटिव देगा, बेस OH नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो एक मोल एच पॉजिटिव एक मोल OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। और जब वो एक मोल रिएक्ट करेगा वन मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, और वन मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होने पे हमेशा -57.4 किलो जाउल हीट रिलीज होगी। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। हमें अभी तक पता चला कि कुछ इंथैल्पी चेंजेस ऐसे हैं जो हमेशा सिर्फ नेगेटिव होंगे या सिर्फ पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जैसे कि इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होगी, फॉर्मेशन और रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, हमारे पास नेक्स्ट है कंबस्शन, तो किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा नेगेटिव होगी। जब भी किसी चीज़ को बर्न करेंगे हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है, पॉजिटिव नहीं हो सकती। और इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होगी, हीट इवॉल्व फॉर बर्निंग ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जला दें, जो हीट इवॉल्व हो गई वो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हो जाएगी। और इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एथानॉल को बर्न करें, C2H5OH को बर्न करें ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज 1368 किलो जाउल पर मोल। एक मोल की कंबस्शन के लिए 1368 किलो जाउल हीट रिक्वायर्ड होती है। तो ये है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और फाइनली हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जब हम किसी चीज को डिसोसिएट करेंगे आयंस में, डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, सॉरी आयंस में डिसोसिएट जरूरी नहीं, अगर आयनिक है तो डिसोसिएट इनटू आयंस, अगर वो कोवेलेंट है तो इंटरेक्ट विद सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व डिसोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो, लिक्विड में डिसॉल्व हो, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब करे इसे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जब वन मोल को हम डिसॉल्व करें, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच नॉट एस, जब हम किसी भी चीज के एक मोल को डिसॉल्व करें और इतना सॉल्वेंट ऐड करें कि फर्दर डाइल्यूशन पे कोई हीट चेंज ऑब्जर्व ना हो, वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो गई, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, क्योंकि डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अगर किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूट कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगी, इफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग देन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस
सॉल्यूट सॉल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस से स्ट्रांग बने तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। ऐसे केस में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है डिसोल्यूशन। और अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बनने पे कम हीट इवॉल्व हो, इतने स्ट्रांग ना हो, जबकि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो, तो ऐसे केस में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? इट इज पॉजिटिव। हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब क्यों होगी? सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो रही हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो रही हैं, और सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस बन रही हैं। इन तीनों प्रोसेस में अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक करने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, अट्रैक्टिव फोर्स बनने पे हीट रिलीज होगी। जिस जो हीट ज्यादा हुई, अगर बनने पे ज्यादा हीट रिलीज हुई और ब्रेक करने के लिए कम चाहिए, तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव। अगर ब्रेक करने पे ज्यादा हीट चाहिए, बनने पे कम हीट इवॉल्व हुई, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक, डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होती है। तो ये भी क्या हो सकती है? ये भी पॉजिटिव हो सकती है और ये भी नेगेटिव हो सकती है। अब हाउ टू मेजर दीज एंथैल्पी चेंजेस, हमें ये भी पता होना चाहिए। इन एंथैल्पी चेंजेस को मेजर किया जाता है बाय यूजिंग कैलोरी मेट्री। कैलोरी मेट्री इज अ टेक्निक यूज टू मेजर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस या यूज टू मेजर एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्सटेंस। हीट कंटेंट मेजर करने के लिए हम कैलोरी मेट्री को यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पास्ट पेपर के। जो इन थर्मोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, उसमें से स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इनके साइन कन्वेंशन, एंथैल्पी एंट्रोपी, रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंट्रोपी, इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे मालूम होना चाहिए। उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, वर्क कब नेगेटिव होगा, वर्क कब पॉजिटिव होगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, इनकी वैल्यूज़, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हम किस चेंज को हम रिएक्शन इक्वेशन देख के बता सकें कि ये कौन से एंथैल्पी चेंज की बात हो रही है, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन पास्ट पेपर में मौजूद हैं। 2016 मेडिकल के पेपर में ये क्वेश्चन मौजूद था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है 2016 के अलावा 13 में भी क्वेश्चन मौजूद था कि H2 हाफ मोल ऑफ H2 गिव्स H गैशियस एटम्स, द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। उसके बाद चार ऑप्शन गिवन थे, सब्लिमेशन, ऑटोमाइजेशन, ठीक है, फॉर्मेशन और रिएक्शन, इसमें से चूज करें इस एंथैल्पी चेंज को क्या कहेंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन मौजूद था 2012-13 के पेपर में ही मौजूद था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू, उसके बाद ऑप्शन गिवन था +394, -394, -294। तो आपको एंथैल्पी चेंजेस की वैल्यू कॉमन रिएक्शंस की मालूम होनी चाहिए जो आपकी बुक में मौजूद है। हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को कि ये क्या है। ये 2008 का क्वेश्चन है मेडिकल के टेस्ट का, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो एक तो स्टूडेंट्स आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई भी रिएक्शन जिसका हमें मालूम है कि वो एक्सोथर्मिक है, तो उसका अपोजिट अगर रिवर्स लिख दिया जाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड पे ले जाएं, तो हर एक्सोथर्मिक का अपोजिट एंडोथर्मिक और हर एंडोथर्मिक का अपोजिट एक्सो होगा। पहली बात, मुझे कुछ एग्जांपल्स मालूम है एक्सो की, कुछ एग्जांपल्स मालूम है एंडो की, अगर वो अपोजिट हो जाएं तो मुझे उतनी ही एग्जांपल एंडो और एक्सो की मालूम है, क्योंकि हर एक्सो का रिवर्स एंडो और हर एंडो का रिवर्स एक्सो होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। उसके बाद हम चूज करने जा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। अब H2+O2 प्रोड्यूस 2H2O, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें मालूम है। अगर लिखा होता H2O प्रोड्यूस H2 एंड O2, ये रिएक्टेंट होता और ये दोनों प्रोडक्ट होते, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता। C+O2 कंबस्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक, हमें मालूम है। मैंने आज ही आपको बताया कि नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन
का रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। मैंने टू एनओ की एग्जांपल दी थी, N2O2 बने तो भी एंडोथर्मिक होता है। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन गिवन है N2+O2 गिव N2O2, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। अब ये बात आप याद रख लें, N2+O2 एंडोथर्मिक वे में N2O2 बनाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होता है जब ये NO बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे रिक्वायर हीट। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 2009 का, मेडिकल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। इनमें से कौन सी फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको भी देखेंगे क्या है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 इज एक्सोथर्मिक, हमें मालूम है। अमोनिया फॉर्मेशन हम हैबर प्रोसेस में पढ़ चुके हैं, -192 किलो जाउल हीट चेंज होता है अमोनिया फॉर्मेशन का। ठीक है, -192 किलो जाउल पर मोल, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। H2O प्रोड्यूस H2 and O2, हमें मालूम है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक, तो डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एंडोथर्मिक होगा, तो मैं यहाँ चूज करूँगा ऑप्शन सी। ये बिल्कुल वही बात हो गई जो कि अभी यहाँ हमने डिस्कस की, कि अगर हमें मालूम है कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका अपोजिट रिवर्स एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का रिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस का रिवर्स स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2016 का एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है। मैग्नीशियम प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, डेल्टा एच इज -692 किलो जाउल पर मोल। डेल्टा एच कितना है, -692 किलो जाउल पर मोल। इन दिस रिएक्शन डेल्टा एच विल बी कॉल्ड, इस इंथैल्पी चेंज को हम क्या कहेंगे। डेल्टा एच नोट एटी, इसका मतलब है ऑटोमाइजेशन। डेल्टा एच नोट एस इज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, enthalpy of sublimation हम कहेंगे when one mole of substance is completely sublime at a standard condition, तो enthalpy of sublimation। C option है enthalpy of solution, और D है standard enthalpy of formation, enthalpy of formation। तो हम देखेंगे product कितना बन रहा है। अगर तो product का एक mole बन रहा है तो it is formation। ठीक है, आयोनाइजेशन नहीं हुई। अगर सिर्फ आयोनाइजेशन हो रही होती किसी आयनिक सब्सटेंस की, या सिर्फ एक्वस फॉर्म में या सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा होता तो हम कहते हैं इट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई चीज सॉलिड से गैशियस स्टेट में चेंज हो रही होती, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो रही होती, तो इट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर कोई चीज एटम्स में ब्रेक हो रही होती गैसेस एटम्स में, तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब हम अमाउंट देखेंगे, अगर अमाउंट वन मोल बनी है तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, और अगर यहाँ मोल्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन है Mg+O2 गिव 2MgO, यहाँ 2Mg है, तो फिर ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट के वन मोल के लिए यहां बैलेंस किया गया है हाफ मोल ऑफ O2, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, सम टाइम ऐसा होगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होगी, जैसे कि हमने C+O2 के केस में बात की थी कि प्रोडक्ट बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी वन मोल बनता है। ठीक है, और वन मोल जब बन रहा है तो हम इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जनरली बन रहा है तो इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होती है वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी याद रखना है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। सब्लिमेशन भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑटोमाइजेशन भी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वैसे भी हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन। तो ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस।
यकीनन आप इनकी पॉइंट्स को अपने पास नोट कर रहे होंगे, आप इन चीज़ों को लिख रहे होंगे, ठीक है, ताकि आप बेहतर वे में एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास कुछ टॉपिक जो हैं इसमें कैलीमेट्री और बॉर्न हैबर साइकिल और हेसेस लॉ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, तो हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।